इस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं भारत के इकलौते मंदिर ऋषि दुर्गाश्रम। तो हमारे साथ अनन्या है और गुड्डू पंडित भी आए हुए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं मंदिर आपको। ये रहा दुर्गाशा जी का मंदिर, तो हम लोग आज दर्शन करने आए हैं, तो आपको दिखाते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, अभी यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा, अंदर से चल के दिखाते हैं। तो हमारे भोलेनाथ और दुर्गाशा ऋषि के रक्षक गेट पे ही विराजमान हैं नंदी जी महाराज। अब हम गेट अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये हमेशा क्रोधित रहते हैं, कभी इनके चेहरे पे स्माइल नहीं आती। हम लोगों ने दर्शन कर लिया, तो हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाते हैं, सूर्य घड़ी। तो चलते हैं दिखाने आपको। ये महर्षि दुर्गाशा यज्ञशाला है और यहीं ये सूर्य घड़ी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यज्ञशाला आप देख लीजिए, और अब आपको हम दिखाते हैं सूर्य घड़ी एकदम नज़दीक से। तो आप देख सकते हैं, तो ये रहा सूर्य घड़ी। ये सारे काम जो करेगा परछाई से ही करेगा सूर्य के। तो इधर देख सकते हैं आप, ये 10, 9, 8, 7 करके ऐसे पूरे टाइम बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी धूप नहीं है तो पता नहीं चलेगा, तो जब छाया इस पर पड़ेगा तो टाइम ही आपको बताएगा। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया है, और आपको दुर्गाशा ऋषि के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, तो जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग को इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है दुर्गाशा ऋषि के बारे में, बस इतना जानता हूँ कि ये बहुत क्रोधित इंसान थे जो हमारे यहाँ आए, और हमारे यहाँ की स्थिति जो आज बहुत जो सही है इन्हीं की वजह से है। तो इन्हें पूरे हमारे एरिया के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आसानी से मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।